और एक बड़ी खबर है, मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे हैं अखिलेश यादव। या आपको बता दें, मुख्तार के परिजनों से अखिलेश यादव ने मुलाकात भी की है। फाटक स्थित अफजाल अंसारी के घर पर पहुंचे हैं और हार्ट अटैक से हुई थी मुख्तार अंसारी की मौत। जेल में मुख्तार अंसारी की मौत हो गई थी। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचे हैं मुख्तार अंसारी के आवास पर उनके परिजनों से मिलने के लिए। मुख्तार के परिजनों से आज मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, फाटक स्थित अफजाल अंसारी के घर पहुंचे हैं। मुख्तार अंसारी के भाई हैं अफजाल अंसारी, उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं अखिलेश यादव। मुख्तार अंसारी की मौत पर बोले अखिलेश यादव को लेकर इस वक्त बड़ी खबर है और अखिलेश ने कहा, क्या ये नेचुरल मौत थी? क्या सरकार कुछ छिपा नहीं रही? क्या रूस में भी बड़े नेता को जहर नहीं दिया गया? अंसारी परिवार गरीबों का मददगार। इस परिवार का योगदान बहुत बड़ा है। इनके जो हमारे साथ दोनों साथी खड़े हैं, मनु अंसारी उमर, इनके परदादा, क्या स्वतंत्रता आंदोलन में, स्वतंत्रता की आज़ादी में क्या योगदान नहीं रहा? क्या उनके दादा और नाना का बड़ा योगदान नहीं रहा? तो ये वो बातें हैं जिनको ये सरकार छुपाना चाहती है। कभी कभी दूर बैठे लोग छवि नहीं पहचान पाते हैं, जब ज़मीन पर पहुँचते तो छवि जानी जाती है। जो छवि दिखाई गई है वो छवि नहीं थी। परिवार के कितने सदस्य रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि आपने मुख्तार अंसारी नाम लिया, उनके दादा उनके नाना का योगदान क्या देश की आज़ादी में नहीं रहा? किन परिस्थितियों में किन वजह से चीज़ें बदलीं, लेकिन समाज और परिवार और ख़ासकर ये परिवार आज भी गरीबों के दुख दर्द में शामिल है। क्या हमने आपने नहीं देखा कि जन सैलाब यहाँ पर आ गया? वो लोग जिन्होंने यहाँ पर परिवार के साथ खड़े होकर के ये बताया कि वे परिवार के साथ हैं, क्या प्रशासन नहीं भेदभाव कर रहा था? क्या सरकार भेदभाव नहीं कर रही थी? आप हम जितने लोग हैं, क्या हम ये स्वीकार कर लेंगे कि नेचुरल डेथ थी? क्या आम जनमानस में ये भावना नहीं है कि कुछ सरकार छिपा रही है? और रशिया में क्या एक लीडर ऑपोजिशन को जहर देके नहीं मारा गया? रशिया में नहीं मारा गया क्या? कितने लोगों की जान चली गई रशिया में? अभी लीडर ऑपोजिशन को इसी तरह जेल में रख करके और जेल में नहीं जहर दे दिया गया? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश भी आए थे और बहुत हिम्मत बढ़ाया, हमारी साहस बढ़ाया। अब्बास भैया नहीं थे, मेरी माता जी नहीं है, मैं अकेला था, दोनों बाबा, परिवार पूरा एक साथ है, लेकिन माता जी की कमी और भाई की कमी कहीं ना कहीं थी। भैया ने आके बहुत हौसला दिया, बहुत हिम्मत दिया है और यकीनन उसका प्रभाव हम लोगों के सीनों पर पड़ा है। और जितने भी, क्योंकि मैं अकेला सिर्फ उनका पुत्र हूँ, ये तो मुझसे रिश्ता है, लेकिन लाखों करोड़ों लोग जो मेरे पिता जनाब मुख्तार अंसारी साहब को अपना रहनुमा समझते थे, मसीहा समझते थे, जो गरीब थे, उनका भी हौसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बढ़ाया है और उनको भी हिम्मत और साहस देने का काम किया है। और हम इसका प्रभाव हम सबके सीनों पर, हम सबके दिल पर पड़ा है।